वेलकम गाइस, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा 111 सब्सक्राइबर, जो मैंने यूट्यूब जर्नी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर आपके प्यार के वजह से इतना सारा मतलब इतनी खुशी हो रही है ये देख के। ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं SEO प्रो थीम को, मतलब ब्लॉगर में सेट करेंगे। ठीक है, उसका मैं आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिंपल से टेम्पलेट को एक आपको XML फाइल दे दूंगा मैं। तो फटाफट से कॉपी करते हैं और चालू करते हैं अपना टेम्पलेट को बनाना। तो इसका नाम है SEO प्रो। और हाँ, चालू करते करते मैं आपको बता देता हूँ ये टेम्पलेट कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिनका माइक्रो नीच ब्लॉग है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग करना कर रहे हैं पर्टिकुलर एक माइक्रो नीच में, जैसे दो तीन टॉपिक्स को ही कवर करते हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे हो गया स्मार्टफोन, ठीक है, या ईयरफोन्स, या माइक्रो नीच एकदम। ठीक है, तो ये सब चीज़ को अगर आप कवर कर रहे हो तो ये थीम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सुपर लाइट है, एकदम जल्दी लोड हो जाती है। ठीक है, तो ये थीम आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और या फिर किसी को पर्टिकुलर ऐसी एक ब्लॉग चालू करना है जिसमें वो रैंडम कंटेंट पुट कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे मैनर नहीं है, मतलब जैसे आज कुछ और पोस्ट कर दिया, आज कुकिंग से रिलेटेड कर दिया, तो उनके लिए भी ये थीम है। बाकी मैं कहना चाहूँगा एफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए एक अच्छी थीम होगी। ठीक है, और ये उसका नाम है, और जस्ट हम लोग इसको मिटा देंगे। सेव। और चलिए अपने थीम को देखते हैं। उससे पहले हम लोग डेमो कंटेंट भी इंपोर्ट कर लेंगे, अभी तो कुछ दिखेगा नहीं ढंग से। तो चलिए फटाफट से हम लोग डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप लोग को मैन्युअली पोस्ट लिखना है, आपके पास डेमो कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ डेमो कंटेंट है, तो मैं सिंपली अपने कंटेंट को इंपोर्ट कर रहा हूँ। आ गया, तो ठीक है, और डेमो कंटेंट आ चुका है, और ये कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के इस पेज में पहले 20 आर्टिकल्स आ जाए। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में, और इधर हम लोग को ब्लॉग पोस्ट की लिमिट को बढ़ा देना है, बहुत आसान सा काम है। तो पोस्ट के अंदर लिखा है मैक्सिमम कितने पोस्ट हो, तो हम लोग चाहते हैं भाई आप एक ही पेज में 20 कंटेंट दे दें, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो जाएं हमारे पोस्ट के साथ। ओके, एकदम लाइट थीम है गाइस। ठीक है, ये सुपर लोडिंग इसलिए बनी है क्योंकि एकदम लाइट है। आपको स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कितना है इसकी स्पीड। सो स्पीड टेस्ट गूगल वेबसाइट, एंड चलिए इसको देख लेते हैं और फिर सेटअप करेंगे। तो ये एक सेकेंड, दूसरी जगह देख लेते हैं। गूगल का पता नहीं कोई इशू आ रहा है गाइस, मेरे साइट से सुबह से आ रहा है। मैं भी और एक दो जगह वेबसाइट भी ट्राई कर रहा था, आपके में हो रही है तो कोई दिक्कत, अच्छी बात है, आप देख लीजिएगा वहाँ से स्कोर। बाय द वे, ये GT Metrics भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पर और डिटेल्स में आपको ज़्यादा पता चलती है। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं परफॉर्मेंस 100% है, स्ट्रक्चर 100% है, LCP बहुत कम है। ठीक है, और कितने सेकंड में लोड हो गई, लगभग 1.3 सेकंड्स में ये फुल्ली फुल्ली लोड हो चुकी है, और सब कुछ बहुत अच्छा है इस थीम का। ठीक है, और ऑफ कोर्स एक बार वापस चेक कर लेते हैं स्पीड टेस्ट वेबसाइट।
अगर आपके टाइम में ये ठीक हो गया होगा गाइस, तो ज़रूर से आप इसे एक बार टेस्ट कर लें। तो 76 स्पीड है, ठीक है, इस थीम की। और डेस्कटॉप में तो ऑफ कोर्स 99 बहुत मतलब डेस्कटॉप में तो लगभग सारी वेबसाइट जल्दी लोड होती है। और ये 76 क्यों है, इसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, पहली बात तो रिडायरेक्ट होती है। मेन जो इसका कम हुआ है ना, देखिए मैंने इमेजेस जो हैं वो PNG इमेजेस यूज़ किए हैं इसलिए। और सबसे मेन बात होती है गूगल एडसेंस के कोड इसमें पहले से लगे होते हैं थीम में, ओके। और ये इसीलिए इसका स्कोर पहले ही कम हो जाता है, ठीक है। आप मतलब एडसेंस के मेन कोड नहीं लगे हैं। एक सेकेंड ना गाइस, तो हाँ यही बोल रहा था, एडसेंस के मेन कोड उसमें नहीं लगे रहते हैं, ठीक है। बट जो स्क्रिप्ट लगी रहती है ना, जो एडसेंस की एड को फेच करती है, वो स्पीड को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा आवाज आ रही थी उसको अवॉइड कर देना। चलिए अब चालू करते हैं थीम को सेट करना फटाफट से। कैसे आप ये थीम को लगाने के बाद सेट करेंगे, तो देखिए SEO में अगर आप माइक्रो नीच कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको ड्रॉप डाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप माइक्रो नीच में, ठीक है। पर फिर भी इसके बारे में भी बात करेंगे, आप कैसे सिंगल हेडिंग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सर्च भी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोअर्स का भी टैब बना हुआ है साइड में। एडवर्टाइजमेंट अगर आपका गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है तो आप लगा सकते हैं। एफिलिएट की एड लगा सकते हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा एफिलिएट का बैनर आप यहाँ लगा दें, ठीक है। बहुत काम आएगा लोगों के, और हो सकता है आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाए, क्योंकि मेन पेज पे जो रहता है ना, जल्दी से लोग अट्रैक्ट करते हैं ऐसे बैनर से, ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आपको ये चीज़ को एडिट करना है, तो सब यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है। एंड से यहाँ पर लिंक लिस्ट के, लिंक लिस्ट को हम लोग एडिट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको नीचे आना है, और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आपको सारे चीज़ दिखेंगे। आप चाहें तो सिंपली मेरी तरह इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वैसे भी सिखाने ही वाला हूँ, और सेव, और फिर हम लोग एडिट करेंगे। एक बार कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब गाइस देखिए, मेरी फ़िलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ, आप लोग अगर मान लीजिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप क्या टॉपिक रखेंगे, ये जो भी आपके 3-4 माइक्रो नीच में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो, नहीं तो हो सकता है आप मल्टी नीच पे करेंगे तो आप ड्रॉप डाउन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग दोनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे पोस्ट की कैटेगरीज मैंने कैसे सेट कर रखी हैं। पोस्ट की कैटेगरीज कुछ इस वाइज है कि मैंने ग्रुप 1 के 5 पोस्ट रखे हैं, ग्रुप 2 के मैंने 6 पोस्ट रखे हैं, ग्रुप 3 के मैंने 5 पोस्ट रखे हैं, इस टाइप से सेटेड है। एंड डेली अपडेट्स करके जो मैंने एक सेकेंड रखे हैं वो सब पोस्ट में लेबल। होप करता हूँ आपको लेबल के बारे में पता होगा। नहीं पता है कैसे सेट करना है, SEO फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखना है, ताकि आपका जो गूगल में पोस्ट है वो एकदम अच्छे से आ जाए, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आ जाए। कैसे मतलब कोई भी आपकी पोस्ट को सर्च करे तो वो पहले नंबर पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको अपने अगर ब्लॉग पोस्ट के बारे में दिखा दूँ कि कैसे मैं लिखता हूँ कि मेरे पोस्ट जो हैं वो फर्स्ट पेज में आते हैं, वेट जो फीचर्ड स्निपेट है उसमें आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो कैसे आते हैं, बहुत सारे हर पोस्ट तो नहीं आते, बट आप कुछ ऐसे यूनिक पोस्ट लिखते हैं, जैसे मेरा एक ये यूनिक पोस्ट था, मैंने इसको लिखा था, तो ये सब देखिए, ये सब फीचर स्निपेट में कुछ इस तरीके से दिखाना चालू कर देता है आपको। ये सब देखिए फोटोज के साथ भी आता है, तो ये सब आपको कैसे सेट करना है
ये आप मेरे से जान सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी वीडियो बना दूंगा इसमें, मतलब एक कि कैसे आपको ये सब सेट करना है। फिलहाल चलते हैं, अब मैं आपको ग्रुप्स बता चुका हूँ, आप लेआउट में रहेंगे एंड यहाँ पर हम लोग एडिटिंग करना चालू करते हैं। तो मेरा मेन मेन्यू में सबसे पहले जो लिंक होगा वो होगा ग्रुप 1, तो मैं यहाँ आके नीचे ग्रुप 1 लिख दूंगा। और आप चाहें तो अपना जो कैटेगरी है वही लिखें, ठीक है। और मैं यहाँ से ग्रुप 1 की राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा लिंक एंड नीचे आके यहाँ पेस्ट कर दूंगा एंड सेव। देन सिंपल मैं ग्रुप 2 ग्रुप 3 का भी बनाऊंगा। ग्रुप 2 सेव, ग्रुप 3 एंड सेव, एंड इसको मैं सेव कर दूंगा। और अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा गाइस, तो ये देखिए लिंक्स ऊपर तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो ये पहला चीज था। अब हम लोग देखते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं। फिर से हम लोग जाएंगे लिंक लिस्ट में एंड यहाँ ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक मेन ड्रॉप डाउन का हेडिंग देना है। तो मैं यहाँ हेडिंग के लिए फिलहाल ड्रॉप डाउन ही दे देता हूँ, DROP ड्रॉप डाउन, एंड इसमें हम लोग हैश डालेंगे, क्योंकि जिसके लिंक नहीं बनाते हैं तो उसमें हम लोग हैश पुट करते हैं। सिंपली ड्रॉप डाउन के अंदर का कंटेंट जो आपको लिखना है, तो ये ड्रॉप डाउन के अंदर जाएगा, तो सिंगल बार से स्टार्ट होगा, ओके, अंडरस्कोर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अंडरस्कोर से चालू होगा। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ग्रुप 1 एंड मैं सिंपली ग्रुप 1 की लिंक पोस्ट कर दिया एंड सेव। सिंपली आपको जितने ड्रॉप डाउन चाहिए आपको सिंगल बार ही लगाना है एंड उसके बाद आपको नाम देना है ग्रुप 2, एंड मैं यहाँ ग्रुप 2 की लिंक दे दिया। आप समझ रहे हैं ना कि आपको क्या कैसे बनाना है ड्रॉप डाउन, तो यही है, ठीक है। ग्रुप 3 एंड सिंपल से ग्रुप 3। और अब देखिए इसको मैं सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश, ड्रॉप डाउन आया ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। अब देखिए हमको ड्रॉप डाउन के अंदर भी एक ड्रॉप डाउन चाहिए, सब ड्रॉप डाउन, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। हम लोग फिर से लिंक लिस्ट में जाएंगे एंड यहाँ आने के बाद हम लोग न्यू ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे ड्रॉप डाउन के अंदर आएगा इसलिए अंडरस्कोर मोर, ओके, और इसके हैश हम लोग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है मोर, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऐड न्यू आइटम करेंगे और मोर के अंदर क्या आएगा, तो डबल ड्रॉप डाउन से चालू। अब ये सिंगल ये ड्रॉप डाउन हुआ, अब इसके अंदर का ड्रॉप डाउन है इसलिए दो बार अंडरस्कोर लगेगा, ठीक है। फिर से मैं कुछ नहीं तो ग्रुप 1 ही डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ है नहीं, पर आपके पास है तो ज़रूर से आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं बनाना है आपके ऊपर टोटल, ठीक है, मैं आपको बस जरिया बता रहा हूँ। एंड देन ग्रुप 3, एंड सेव। देखिए ये ड्रॉप डाउन, इसके अंदर मोर एंड यहाँ पर और ड्रॉप डाउन, ठीक है, आप ये समझ गए। अब देखिए आपको ये नाम कैसे बदलना है ये बात कर लेते हैं। तो सिंपल ये हेडर लोगो है, इसको एडिट करना है आपको, और यहाँ लोगो ये लगा हुआ है उनका, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, आपको सिंपल से आके इस लिंक को रिमूव कर देना है, तो ये लोगो हट जाएगा। और अपने वेबसाइट का मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप नाम यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा लगता है नाम यूज़ करना भी, ठीक है, और नहीं करना है तो आप इमेज लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और नाम लिखने के बाद आपको सिंपल सेव क्लिक करना है एंड यहाँ आके रिफ्रेश, देखिए नाम आ गया, ठीक है, और सब अपना ऊपर का पार्ट आपको बताना समझा दिया। लेफ्ट साइड में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पोस्ट आएंगे। राइट साइड में बात कर लेते हैं कि आप ये लिंक्स को कैसे बदलेंगे, तो आपको फिर से आना है लेआउट में ही और यहाँ आके आपको देखना है फॉलोअर्स को एडिट करना है।
फॉलोअर्स को एडिट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एडिट में क्लिक करना है एंड ये सारी लिंक्स को आपको बदलते जाना है। आपकी फेसबुक की यूआरएल आपको यहाँ लगानी है, आपकी ट्विटर की यूआरएल आपको यहाँ पेस्ट करनी है, सब में सेव करते जाना। जैसे जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो ये सारे ऐसे ही रिप्लेस होंगे। जब आप सबको सेव करते जाएंगे उसके बाद आखिरी में आपको सेव बटन और मिलेगा, आपको वो भी क्लिक करना है, नहीं तो ये गड़बड़ से सेव नहीं होगा। मेरे पास फिलहाल YouTube Instagram की लिंक्स नहीं है, ठीक है। आपको आपकी URL यहाँ पेस्ट करनी है। अगर आपको मान लीजिए आपको नहीं चाहिए कुछ तो वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपको YouTube नहीं चाहिए, आप YouTube में आपका कोई चैनल नहीं है, तो आप सिंपली इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। Instagram में और या मान लीजिए आपके VK में कुछ नहीं है तो VK को डिलीट कर दीजिए। Dribbble में आप काम नहीं करते, Dribbble UI UX के लिए फेमस है तो इसमें भी काम नहीं करते, आप इसको डिलीट कर दीजिए। ट्विच स्ट्रीमर्स के लिए काम आता है, ये भी आप काम नहीं करते, आप इसको डिलीट कर दीजिए। चार लिंक लगा दीजिए, सेव कर लीजिए। गूगल न्यूज़ है तो गूगल न्यूज़ को कैसे ऐड करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए चार लिंक आ गई। अब मान लीजिए आपका गूगल न्यूज़ से अप्रूवल है, और गाइस देखिए गूगल न्यूज़ का अप्रूवल होने का बहुत फ़ायदा होता है। आपकी URL जो 24 या घंटे से लेकर एक हफ्ते में इंडेक्स होती थी, वो सिर्फ 5 मिनट में इंडेक्स हो जाती है। मेरे एक सब्सक्राइबर में भी आज कमेंट किया है, मैं आपको वो भी पढ़ा देता, पता नहीं यूट्यूब ने उसका कमेंट शायद हटा दिया आई गेस, मेरे को अच्छा लगा था वो URL पढ़ के। देख लेते हैं, ये देखिए गाइस, मैं पिछले 7 महीने से इंस्टेंट इंडेक्सिंग के पीछे लगा था, ठीक है। ये देसी रॉक्स का कमेंट है, ठीक है भाई, अच्छा लगा मेरे को ये सुन के। बट पोस्ट 24 घंटे बाद इंडेक्स होती थी, 5 दिन पहले गूगल न्यूज का अप्रूवल मिला और पोस्ट 5 मिनट में इंडेक्स हो रही है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, मैंने यही तो बताया था आपको इस वीडियो में। तो आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप कैसे गूगल न्यूज का अप्रूवल ले सकते हैं। मेरे बना हुआ है चैनल में, ज़रूर से आप उसे चेकआउट कर लें, आपकी लिंक बहुत फास्ट लिंक होंगी। और अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग कहाँ गया, ठीक है। तो अब बात करेंगे कैसे आप लोग अपना गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले चुके होंगे। तो यहाँ पर आप बैनर ऐड कर सकते हैं, या आप किसी और चीज़ में भी हैं तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं गूगल न्यूज़ वाला। तो गूगल न्यूज़ पब्लिशर सेंटर के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल न्यूज़ की फ़ोटो चाहिए। तो सबसे पहले गूगल न्यूज़, अगर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा स्किप कर लें, ठीक है। गूगल न्यूज़ अगर अभी अप्रूव नहीं है या आपको जानना है कि कैसे लगता है तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। गूगल न्यूज़ लिखा मैंने और हमको ये इमेज चाहिए तो राइट क्लिक करके मैं इसका सेव कर लेता हूँ इमेज को, और इसको डाउनलोड नाम से मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ डाउनलोड नाम से। देन हम क्या करेंगे, हम एक गैजेट ऐड करेंगे और इस गैजेट को हम लोग रखेंगे फोटो। तो हमको इमेज इमेज को टाइटल देना है तो आप दे दीजिए गूगल न्यूज़, मैंने एक टाइटल दे दिया, कैप्शन मत दीजिए चलेगा। इमेज आपको अपलोड करनी है तो सिंपल से आप चाहें तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करके, जो आप भी डाउनलोड किया हमने उसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप में गया एंड ये डाउनलोडेड है, इसको सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ लिंक आपको ऐड करनी है आपके पब्लिशर सेंटर की, ठीक है। और वो लिंक होगी आपके पास अगर आप चला रहे हैं गूगल न्यूज़ पब्लिशर तो, ठीक है, आपको वो आपके पब्लिशर अकाउंट में मिल जाएगी आपकी लिंक। और फिर ऐसे अपलोड करने के बाद आप सेव कर दें एंड देखिए ये गूगल न्यूज़ का बैनर आ गया। अभी लिंक ऐड नहीं है इसलिए क्लिक करने पे कुछ होगा नहीं, बट ये ऐसे ही काम करता है, ओके। फिलहाल अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, एड्स एड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एड्स यहाँ पर पहले से लगी हुई है, इसको हटा देना है आपको और अपना एड का कोड यहाँ पेस्ट करना है, या आपका अगर बैनर एड है अमेजोन एफिलिएट अकाउंट से तो आप उसके कोड को डायरेक्टली यहाँ पेस्ट करके सेव क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। और उसके बाद आता है मेन टैग को रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आता है नीचे की लिंक लिस्ट है, फॉलो अस है, अबाउट अस है, तीन चीज़ हैं नीचे के सेक्शन की ओर चलते हैं। तो अबाउट अस में क्या होता है, ये अबाउट अस हो गया पूरा, ठीक
है, ये पूरा पिक्चर से लेकर इतना सेक्शन अबाउट अस में आएगा, ये हो गया आपका फॉलो लिस्ट, एंड नीचे की ये सेक्शन हो गया आपका ये पार्ट लिंक लिस्ट। तो चलिए फटाफट से इसको भी एडिट करना सीख लेते हैं। अबाउट अस में जाएंगे, अबाउट अस में यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट को डिफाइन करना है कुछ शब्दों में। तो लाइक अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो दिस इज अ एफिलिएट, दिस इज अ वेबसाइट दैट गिव्स प्रोडक्ट रिव्यूज। ठीक है, आपके जैसे भी जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, और नीचे आके आप इमेज अपनी लगा लें अगर वेबसाइट की है तो, नहीं है इमेज तो आप कुछ नहीं करें, आप हटा दीजिए इमेज। ठीक है, एंड सेव कर दीजिए। ओके, तो इमेज लगानी ही पड़ेगी कुछ, तो इमेज मेरे पास मेरी है क्या, कोई मेरी इमेज मैं लगा देता हूँ। बाय, हाँ इमेज आ गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके एंड रिफ्रेश, एंड नीचे आया, देखिए ये आ गया, अबाउट अस का कंप्लीट हो गया। अब लिंक्स की बात करते हैं, तो वापस से आपको ये फॉलोअर्स में एडिट करना है, नीचे आना है, देखिए फिर से वही बात आ गई, आपको यहाँ पर अपने फेसबुक की लिंक डाल के सेव में क्लिक करना है, ट्विटर की लिंक डाल के सेव में करना है, या आपके पास कोई लिंक नहीं है, यूट्यूब की नहीं है तो हटा दें, डिलीट कर दें, आरएसएस की नहीं है डिलीट कर दें। ठीक है, और इसको एडिट करके आप चेंज कीजिए, इसको एडिट करके आप चेंज कीजिए, सेव 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 में क्लिक करके पूरा सेव कीजिए। ठीक है, तो अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ सेव का बटन आएगा उसको दबा दीजिएगा। लास्ट थिंग आती है, हाँ आपको पेजेस की लिंक डालनी है, नीचे पेजेस की लिंक डालना है। तो क्या करना है आपको, पहले तो पेज होने चाहिए आपके, पेजेस में जाएंगे, यहाँ पर आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, साइट मैप, इतने सारे पेजेस होते हैं, आप बना लीजिए। अगर आपको सिर्फ दो तीन पेज बनाने हैं तो वो भी आप बना लीजिएगा। सिंपली आपको उनकी लिंक कॉपी करनी है, शेयर में क्लिक किया मैं, एंड मेरे को इसकी लिंक चाहिए तो कॉपी लिंक। ठीक है, और या आप चाहें तो सिंपली ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, एंड ये लिंक भी आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग अपने थीम में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे सॉरी, एंड देन नीचे आके आपको इसको एडिट करना है, एंड यहाँ पर अबाउट के पेज में आपको एडिट करके अपना अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट का था तो मैं कॉन्टैक्ट में डाल देता हूँ, सेव सेव। ऐसी करके आपका अबाउट और आरटीएल वर्जन तो मेरे ख्याल से नहीं बनाएंगे आप, तो वो भी अभी आपके ऊपर है। आरटीएल वर्जन मतलब एक तरीके से पूरा लेफ्ट टू राइट चल देता है वेबसाइट। ठीक है, तो इतना पार्ट को रिफ्रेश, तो देखिए अबाउट कॉन्टैक्ट में लिंक नहीं डाला हूँ तो ये शायद नहीं, अबाउट में लिंक नहीं डाला हूँ तो हैश दिखा रहा है। अब चलिए बात करते हैं डिज़ाइन बाय दिस को कैसे हटाएं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने थीम में, एंड देन एडिट एज HTML, और मेरे को मेरी ही वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को भी याद मतलब डिस्क्रिप्शन में है ऑफ कोर्स, तो कौन सी थी, पोस्ट रिमूव में हाउ टू रिमूव फुटर सेक्शन, एंड ये था उसका लिंक, तो खोल लेता हूँ। हाँ, तो स्टेप वन है कॉपीराइट से ऊपर पेस्ट करना है ये चीज़ को, तो मैं सिंपली कॉपीराइट सर्च करूँगा, कॉपीराइट। देखिए आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको मेरी वीडियो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको अभी जो थीम बना रहा हूँ ये टेम्पलेट दे दूंगा ना, ये जो अभी एडिट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मैंने कुछ कुछ चीज़ डिलीट की है आपके सामने ही। ठीक है, फॉलोअर्स के बटन, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखिए आ गए हम लोग कॉपीराइट के सेक्शन में, और ये लिखा डिज़ाइन बाय हट, हमको नहीं जानना कौन डिज़ाइन किया है, तो कॉपीराइट के ऊपर मेरे को ये टेक्स्ट को पोस्ट करना है, तो सिंपली नीचे आया मैंने पोस्ट कर दिया इधर ऊपर से। ठीक है, ये पार्ट को मैंने यहाँ पोस्ट किया, ये आईडी देखिए यही है जो आपको
हटाने नहीं देती है मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया स्टाइल, ठीक है, और डिव यहाँ पर चालू हुआ है, ठीक है, डिव क्लास कॉपीराइट। उसके बाद एट द एंड में आपको ये पोस्ट करना है। तो क्या पोस्ट करना है अब मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल से ये डिव को क्लोज करना है, ठीक है। तो डिव जो यहाँ पर चालू हुआ है ये, ठीक है, इसको हमको इसके बाद पोस्ट करना है। तो यहाँ एक डिव आ जाएगा, ठीक है। और क्या बच रहा है देख लेते हैं एक सेकेंड। स्पैन टैग, स्पैन AHREF, स्पैन स्टाइल, स्टाइल क्लोज, डिव, सब तो सही है। स्पैन, ओके, स्पैन ये है, ये पहले क्लोज हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस डिव को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था, ठीक है। अब आपको अपना कॉपीराइट लगाना है ऑफ कोर्स, तो आप ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी कर लें और इसके ऊपर आके ये पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके, ये आधा अधूरा कॉपी कर लिया मैंने गलती से, इतना पार्ट कॉपी किया, ये पेस्ट एंड देन सेव। आपको यहाँ अपना HREF डालना है, अपना नाम डालना है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा अपने कॉपीराइट को, सेव हो रहा है एंड रिफ्रेश। देखिए अब आ गया आपका कॉपीराइट। मोस्टली सब कुछ मेरे ख्याल से मैंने कवर कर लिया। पोस्ट कैसे दिखते हैं ये भी देख लेते हैं, बहुत प्यारा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। और फोन में कैसा दिखता है ये चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल वर्जन, और भाई ऑफ कोर्स अमीर लोग हैं हम लोग, ठीक है। आईफोन एक्स में कैसा दिख रहा है ये चेक करेंगे विथ 75% रेशियो। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपकी SEO वेबसाइट दिख रही, ठीक है। और यहाँ पर एप बार दिखेगा आपका, ठीक है, सर्च कर सकते हैं लोग, बहुत आसान है। तो ये है मेरे लिए, मतलब मैं आपको यही कहूँगा कि ये अच्छी है। माइक ड्रॉप हो गया, लगा लें दीजिए, कॉलर माइक है। तो ये था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थीम है, ठीक है। SEO भी आप आसानी से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और बात जो इम्पोर्टेंट है। मेरे को पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी अभी तक, तो 27 मिनट की हो चुकी है, पर जल्दी जल्दी बोलता हूँ। अब आपको एक मेटा टैग जनरेटर का भी काम करना है, तो मेटा टैग न्यूज़ एंड ट्रिक, फटाक से मैं अपनी वेबसाइट खोजूंगा और किसी की वेबसाइट क्यों खोजूँ। तो ये आ गया मेरी वेबसाइट, इसका भी आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको फटाक से जाना है, अपने टाइटल देना है ब्लॉग का, यानी जो एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपनी वेबसाइट का टाइटल रखेंगे वो आपको यहाँ लिखना है। 150 वर्ड में आप डिस्क्राइब कीजिए, कीवर्ड्स डाल दीजिए कॉमा कॉमा करके, जैसे एग्जांपल दिए हैं कि किन कीवर्ड पे सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं शो हो, ठीक है। ऑथर अपना नाम डाल दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं इंग्लिश लिख लीजिए, या लैंग्वेजेस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी गूगल पे सर्च करने पे। कंट्री आप अपनी डाल लीजिए, रोबोट में आप याद से इसको ऑल रख लीजिए, एंड गेट कोड करने के बाद आपको गेट करेंगे, ठीक है। जैसे नाम मैं अभी डाल देता हूँ SEO प्रो, एंड इट्स, मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है। एफिलिएट, ये आपको SEO करने की बात कर रहा हूँ ना वेबसाइट की, क्योंकि कई लोग बोले यार भाई ये भी बता दो ये भी बता दो, तो सब कुछ बताएंगे हम लोग एक ही में, ठीक है। और कीवर्ड्स ऑफ कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, आपके नाम SEO प्रो, ये सब कॉमा कॉमा करके आपको एडिट करने हैं। ऑथर में अपना नाम सिंपली ये इसको ऑल में करने के बाद आपको गेट करना है, ये आपका कोड आएगा कुछ, इसको कॉपी करना है, कॉपी हो गया। अब आपको टेम्पलेट में आके सबसे ऊपर हेड के नीचे इसको पेस्ट कर लें, और पूरा लिखे ना, मैंने तो आधा अधूरा कर दिया, ठीक है। आपको ये पूरा ऐसे पेस्ट करना है एंड देन सेव कर देना है, आपका SEO वाला काम भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फेव आइकन, देखिए ये ब्लॉगर की आइकन है, इसको भी बदलना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो फेव आइकन में आएंगे, फेव आइकन में आने के बाद आपको अपना 100x100
या जो भी स्क्वायर इमेज आपके पास होगा और जिसका 100 KB हो साइज, उसको अपलोड कर दें। तो मेरे ख्याल से मेरा यही है फाइव वैगन, आप अपना बना लीजिए। पेंट में बनाना है, किसी से भी आप बना सकते हैं फाइव आइकन, कोई बड़ी भी बात नहीं है। ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना कुछ, बहुत कुछ हो गया यार, और कुछ बचा है क्या? फाइव आइकन ऐसे बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, एक दो सेकंड, जल्दी आ जा। हाँ देखिए, ये भी चेंज हो गया, ठीक है। और क्या बचा है? कुछ बचा है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसके अगली वीडियो में भी देख लूँगा, ठीक है। मैं डार्क मोड वाली थीम क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम डार्क मोड वाली थीम ना काम, मतलब देखिए, लोड वेबसाइट की थोड़ी सी वो कम कर देती है स्पीड को। डार्क मोड एक जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोला कि यार देखिए, डार्क मोड ना आजकल लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, रखना अच्छा बात होता है, मुझे पता है, मेरी वेबसाइट में भी है। बट मेरे हिसाब से डार्क मोड वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं रखना चाहिए, कि देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है ना, तुरंत वो आपकी वेबसाइट में आएगा, 1 मिनट के लिए ब्लॉग खोलेगा, 1-2 मिनट के लिए थोड़ा बहुत रिव्यू पढ़ लेगा, और फिर लिंक से आपके वो अमेजोन में ही रिडायरेक्ट हो गए, जहाँ भी आप एफिलिएट कराना चाह रहे हैं उसे। तो उतना आप लोड मत रखिए वेबसाइट में 1-2 मिनट के लिए, वो उनके लिए अच्छा होता है जो एकदम बड़ा बड़ा ब्लॉग लिखते हैं। मैं ये आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ही थीम सजेस्ट किया हूँ, ओके। माइक्रो नीच रखिएगा ब्लॉग, बहुत आगे जाओगे यार। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी समझ आ गई हो, मेरे एंड से कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, इतनी लंबी वीडियो बनाने की थोड़ी मेहनत लगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अगले थीम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।